Hi everyone, my name is Shivansh Basin. Welcome back to the channel, The Investor Logic. So guys, आज की मार्केट पूरी रेंज बाउंड सेशन ही रही थी. हम लोगों ने ऊपर की मूवमेंट तो देखी थी, गैप अप देखा था, उस पर हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था. कल की वीडियो पे आई थिंक मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग ने 17,300 का कॉल ऑप्शन भी बाय करके गए हैं अराउंड 109 रुपीज के लेवल पे एंड 220 के लेवल पे. हम लोगों ने ऑलमोस्ट डबल से ऊपर पे सेल कराया उसे. सो प्रॉफिट तो आज का दिन अच्छा रहा, उसके बाद पूरा रेंज बाउंड सेशन रहा. तो हम लोगों ने ना कुछ स्टॉक्स के अंदर फोकस कराया, उसमें से एक स्टॉक तो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ बिकॉज अभी ब्रेकआउट आया है, उसमें हम लोगों ने एक ऑप्शन ट्रेड लिया है. सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं कि मार्केट का क्या रिएक्शन रह सकता है. कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे जैसा कि सब आप लोगों को पता ही होता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एंड बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेड करने के लिए बिकॉज नेक्स्ट डे एक्सपायरी होती है, तो बहुत सारे ट्रेड्स प्लान होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं या फेल होते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है. सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पर और देखते हैं किस तरीके से ट्रेड करना है. ओके, सो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं. सबसे पहले निफ्टी को एक बार स्टडी कर लेते हैं. सो निफ्टी में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये गैप अप हुआ एंड आफ्टर दैट जो एक 2 आवर्स का हाई था, लेट्स गो विद 30 मिनट्स टाइम फ्रेम. ठीक है, सो ना 30 मिनट्स टाइम फ्रेम एक सडन मूवमेंट्स तो हमें देखने को मिली है एंड आफ्टर दैट एक रेंज बाउंडी सेशन रहा है. पूरे दिन हम लोगों ने कोई ट्रेड्स नहीं लिए थे और एग्जीक्यूट भी नहीं करे थे एंड एक सिंपल वॉच करा था बिकॉज आप देख सकते हो एक क्लियर लोअर लेवल से एक डबल बॉटम क्रिएट करके एक गैप अप आया, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया बट वो एक एक्स्ट्रा बाइंग लेवल पे एक शॉर्ट कवरिंग पे सस्टेन हो गया ना. आफ्टर दैट मल्टीपल गैप अप्स हम देख रहे हैं. अब ये जो एक रेंज बाउंड सेशन बना है आप ये देख सकते हो, सिंपल बेसिस पे अगर यहाँ से कल नीचे जाता है तो हमें शॉर्ट नहीं करना. हम शॉर्ट कर भी सकते हैं बट हम अर्ली प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे बिकॉज ये मार्केट इतनी ज़्यादा बुलिश लग रही है और अभी जो सस्टेन प्राइस है दैट इज 17,484.90, तो ऑलमोस्ट 17,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल पे है. वहां पे डेफिनेटली कॉल राइटर्स एक्टिव होंगे बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है साइकोलॉजिकली, तो वहां पे ऊपर जाना और सस्टेन करना थोड़ा सा तो डेफिनेटली मुश्किल होने वाला है. बट अगर गैप अप आ गया, गैप अप के बाद 17,560-540 खुलता है, 540 के ऊपर जितना भी खुलता है और वहां पर अगर एक घंटा भी सस्टेन करता है, लेट्स से वहीं पर ही कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाए, तो वो अलग बात है. चलिए मैं आपको ना एक सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ क्या होता है. सिचुएशन हम लोग लेकर चलते हैं कि आप अपने आप खुद भी ट्रेड लेने में कैपेबल हो. यस, लेट्स से ये रेंज है, कल मार्केट ओपन होता है एट दिस पर्टिकुलर लेवल. ठीक है, याद रखना, नोट कर लीजिए, 17,540 के ऊपर अगर होता है तो हम बात कर रहे हैं. लेट्स से वो ओपन हुआ इस लेवल पे. ठीक है, यहां पर ये ओपन हो गया, इसी लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है इस तरीके से. ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है और अगर वो तब इस लेवल को ब्रेक करता है तब हम एक क्लियर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये मल्टीपल गैप अप्स देखे हैं यहाँ पर भी लोगों ने बाइंग करी होगी, इन लेवल्स पे भी बाइंग करी है, इन लेवल्स पे भी हुई है और इस लेवल पे भी आप वॉल्यूम्स चेक कर सकते हो, इन लेवल्स पे भी लोगों ने बाइंग करी है. अगर अब एक दोबारा गैप अप आता है, एक थर्ड टाइम गैप अप हमें देखने को मिलता है और वो कंसोलिडेशन जोन में जाता है तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन होगा. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन दैट इज कि जितने लोगों ने लोअर लेवल्स पे बाइंग करी थी वो एक हायर लेवल पे एक रेंज बाउंड हो गया, वहाँ पे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर रहे हैं और अगर वो ये लोअर लेवल ब्रेक कर देता है तो रिटेल एंट्रर्स भी शॉर्ट के लिए स्टार्ट होंगे और एक सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली आ सकता है. ठीक है, एक बार इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं. या अब अगला सिनेरियो क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि इसी लेवल पे ओपन हुआ एंड यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाना स्टार्ट कर गया विद इन मतलब 2-15 मिनट की कैंडल भी इसने अगर ऊपर की तरफ बना दी, आफ्टर दैट नीचे आता है ना ऊपर जाता है. ठीक है, एंड इसी लेवल पे तब सस्टेन करता है, ऐसे कर रहा है. ठीक है, तो क्लियर बेसिस पे हम लोग बाय, अगर ये आता है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं. ठीक है, अगर ये 17,540 के ऊपर सस्टेन करता है तो जितने भी कॉल राइटर्स हैं वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर जितने भी कॉल राइटर्स हैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसके 40 रुपये ऊपर अगर वो ट्रेड कर रहा है, वहाँ सस्टेन कर रहा है, तो वहाँ पर वो लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे, वो हमारे लिए पॉजिटिव साइन बन सकता है. सो रिमेंबर दैट अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है कल, मतलब ओपन होता है इस लेवल पे इस रेंज के अंदर ही और नीचे ब्रेक कर देता है तो शॉर्ट नहीं करना. इस रेंज के नीचे ओपन होता है तो शॉर्ट नहीं करना, इस रेंज के ऊपर होके रेंज बाउंड हो जाता है तो शॉर्ट करना है, रेंज ऊपर होके अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो हमें बाय ऑन डिप्स करना है. ठीक है, हमें बता दिया कि ऊपर ही शॉर्ट करना है और ऊपर ही लॉन्ग करना है, किस तरीके से प्लान करना है वो आपको समझा दिया. एक बार चेक कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा को भी. सो मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा ओपन कर लिया है, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 17,300 पे सारे के सारे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स अपनी पोजिशन अनवाइंड कर चुके हैं. इसके अलावा ऑलमोस्ट 40% 17,350 एंड 30% ऑलमोस्ट 17,400 पे भी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, हो कर चुके हैं.
सो अगर आप ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन से एक्सिस लाइन से नीचे वाली को, तो 17,200 से लेके 17,450 तक कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी है। दैट मींस कि वो लेवल ब्रेक होने के चांसेस कम लग रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन पे। इसके अलावा हैवी पुट राइटर 17,400 पे भी हैं। सो अगर ये वाला लेवल ब्रेक भी होता है इन लेवल्स पे, वो कहीं सस्टेन ले सकता है इन लेवल्स पे जो कि ये वाला लेवल है, एंड यहाँ से एक बाउंस कर सकता है, ठीक है। तो हम अपनी प्लानिंग कल ही डिसाइड करेंगे उसी के बेसिस पे। बट अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 17,500 के अंदर कॉल राइटर्स ने पोजीशन बनाई है। आप चेक कर सकते हो कि डबल है ऑलमोस्ट पुट राइटर्स की पोजीशन एज कम्पेयर, जो आज नहीं बनी है बट तब भी कॉल राइटर्स एक्टिव है, तो वो चीज़ हमें ज़रूर चेक करनी है। अगर कल गैप अप के बाद आधे एक घंटे बाद हम देखते हैं कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं, देन बाय ऑन डिप्स बहुत ज़्यादा बेटर बन सकता है। बट अगर हम देखते हैं कि बहुत हेविली कॉल राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमें पता चल सकता है कि शायद वो एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो और ब्रेक हो सकता है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें प्ले करना है। यूज़ करते हैं हम एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट और चेक करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बाइंग साइड में ही हमें रहना है, ठीक है। इसके अलावा कोई और साइड हमें अभी सिलेक्ट नहीं करनी है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, एग्जैक्टली गैप अप एंड एक रेंज बाउंड सेशन इसके अंदर भी यही हमें देखने को मिला है। सेम चीज़ कर सकते हैं, बैंक निफ्टी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों बराबर चल रहे हैं। बट ट्रेड अगर मिले तो दोनों में हम ले सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली वर्क कर सकता है। तो जो निफ्टी को फॉलो करना है वही सेम चीज़ में हम बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं। रेंज मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है, ओपन इंटरेस्ट भी डाटा एग्जैक्टली सेम है, बस बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स की पोजीशन ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो मतलब ऊपर ज़्यादा या फिर सस्टेन करने के चांसेस इन्हीं लेवल पे निफ्टी के ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। ये पॉइंट्स बता दिए। अब बात करते हैं अपने सबसे पहले स्टॉक की। सबसे पहले स्टॉक है हमारा सिप्ला। ये पर्टिकुलर स्टॉक आज हम लोगों ने ट्रेड लिया है एंड ऑलमोस्ट बढ़िया अभी तक तो चल रहा है। हम लोगों ने एक ऑप्शन का ट्रेड लिया था, लेट मी जस्ट शो यू। हम लोगों ने एग्जैक्टली आज लास्ट आर के अंदर इसने ब्रेकआउट दिया, हम पूरे टाइम से वॉच कर रहे थे। आप चेक कर सकते हो एग्जैक्टली ये वाला रेंज था, इस रेंज के ऊपर जैसे ही इट गेव अ ब्रेकआउट, हम लोगों ने ऑलरेडी मॉर्निंग में ही इसको वॉच लिस्ट में ऐड करवा दिया था। एंड जैसे ही ब्रेकआउट दिया वी वेंटर्ड इन अ 1140 कॉल ऑप्शन इस एक्सपायरी की, एंड ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ 50 पैसे पे हम लोगों ने बाय करा था इस ब्रेकआउट पे। इस ब्रेकआउट पे यहाँ पर हम लोगों ने कहीं बाय करा था एंड ऑलमोस्ट अभी 13 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो प्रॉफिट अच्छा चल रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये कल एक अच्छी अपमूव दे सकता है। एक बार मैं आप लोगों को ऑन अ डेली टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ। सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, सस्टेन करा इस लेवल पे अपने प्रीवियस विंग हाई पे, एंड अभी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का, एक बुलिश पेनेंट पैटर्न का सॉरी, इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। सो आई पर्सनली थिंक कि अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो 1145 to 1150 के टारगेट्स आ सकते हैं एंड हमें एक अच्छा प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेड में भी देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर आप इसको वॉच करके चल सकते हो। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। अब सेकेंड स्टॉक इज PI इंडस्ट्रीज। PI इंडस्ट्रीज अगर आप चेक करोगे तो एक आफ्टर अ वेरी गुड मूव ऑलमोस्ट इसने 50% का रिटर्न दिया था एंड आफ्टर अ वेरी गुड कंसोलिडेशन फॉल, देख सकते हो कि शार्पली फॉल नहीं करा है, एक अप एंड डाउन मतलब लोअर लोज लोअर हाइज के थ्रू ईजिली गिरा है। आफ्टर दैट इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एट दिस और अ 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब यहाँ से ऊपर जाने की ब्रेकआउट दे रहा है, ये जो इसका पर्टिकुलर नेकलाइन है इस नेकलाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो लेट मी ओपन अ 2 hours टाइम फ्रेम फॉर यू एंड एग्जैक्टली इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन पे अभी जो इसका करंट प्राइस है दैट इज 3,090 रुपीज़ का, अगर ये 3,105 के ऊपर निकलता है, आधा घंटे की कैंडल भी सस्टेन करती है, तो हम अपना इस पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता है और आप देखते हो कि ना ये जो RSI है, ये RSI नीचे जा रहा है, ठीक है, और अगर तब ये जब ऊपर गया, फॉर एग्जाम्पल लेट से, बढ़िया ट्रेड में आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेट से कि ये नीचे जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे जाना स्टार्ट हुआ, RSI आ गया इस लेवल पे, नीचे आ गया, ठीक है, ओवर बॉट की पोजीशन, ओवर सोल्ड की पोजीशन में आ चुका है। अब ये जैसे ही टर्न अराउंड लेना स्टार्ट करेगा और RSI नीचे से तोड़ के अपने 50% जो इसका 50 का लेवल है इसके ऊपर जाता है और यहाँ पर एक कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की और यहाँ पर ये इसके ऊपर बंद होता है, हम बीच में ही एंट्री ले सकते हैं और ये ब्रेकआउट डेफिनेटली देगा। सिप्ला के अंदर भी ये चीज़ फॉलो हुई है, इस पर भी ये चीज़ फॉलो होगी, तो आप इसको ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो और ब्रेकआउट पर भी ट्रेड कर सकते हो। सो वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ बता दिए जो आपको मिल सकती है। बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की एंड लास्ट स्टॉक की।
जिंदल स्टेनलेस ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहा है एंड आप इजीली देख सकते हो कि एक रेंज बाउंड सेशन के अंदर चले जाता है आफ्टर अ वेरी गुड मूव, एक रेंज बाउंड सेशन के अंदर चले जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड सेशन के अंदर चला गया और अब आप देख सकते हो इट गेव अ वेरी गुड फॉल एंड ऑन अ फोर सॉरी ऑन अ टू आवर्स टाइम फ्रेम इसने एक वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न फॉर्म करा है। आफ्टर अ वेरी गुड फॉल एक वी शेप रिकवरी आई, एग्जैक्टली इस लेवल पे इसने पॉज लिया रेजिस्टेंस, अगेन एक फॉल आई, प्रीवियस स्विंग हाई लो को ब्रेक नहीं करा, एक नया लो क्रिएट करा, दैट मीन्स एक हायर लो बना बट द हायर हाई रिमेन सेम, अगेन ऊपर गया, ये हायर हाई रिमेन सेम, नीचे आया फिर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा एंड अगेन आप देख रहे हो हर जगह से नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पर भी रिजेक्शन ले रहा है, दैट मीन्स हर लोअर लेवल से पहले ही एक अच्छी बाइंग प्रेशर आ जाती है बट वो बाइंग प्रेशर इसके ऊपर जाने नहीं देती है, बट आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये ऊपर जाने की इसने डेफिनेटली कोशिश करी है। ओपन करते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आप देख सकते हो इट गिव अ ब्रेकआउट, वॉल्यूम्स अच्छे तरीके से रोज करे हैं एंड अगर ये इस पर्टिकुलर हाई इस कैंडल के हाई के ऊपर कल एक 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज होती है तो एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज लोअर हाईस बन रहे हायर लोज बन रहे थे एंड हाई सेम थे सो वो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल था, अगर वो ब्रेक होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और बाय साइड ये भी स्टॉक दिखा सकता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ एजुकेशनल कंसेप्ट मिले होंगे तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि कैसी लगी है वीडियो। इसके अलावा मेक श्योर अगर आप लोग चाहते हो कि हम इस तरीके से ऑप्शन स्टॉक्स के ऑप्शन इंडेक्स के ऑप्शंस एंड वेरियस अदर ट्रेड्स प्लस स्टॉक मार्केट की फुल कोर्स की लर्निंग प्रोवाइड करवाएं सो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू ओपन योर अकाउंट इन एंजल ब्रोकिंग, आपको वहाँ पर अपने फंड्स को ऐड करना है और जो भी चीज़ें हम आपको बताएं आपको उस पर्टिकुलर एंजल ब्रोकिंग में ट्रेड्स लेने हमारे थ्रू एंड वहाँ पे आप लोगों को हम पढ़ाएंगे भी आपको सिखाएंगे भी, इसके अलावा ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती रहेंगी। सो हैव अ वेरी गुड डे गाइस, आई विल मीट यू टुमारो, बाय बाय।